1984 के सिख विरोधी दंगों के 37 साल बाद कानपुर में पूरी हुई 11 मामलों की एसआईटी जांच, चार्जशीट दायर करने की तैयारी। करीब 2 साल की जांच के बाद एसआईटी ने की 67 आरोपियों की पहचान, 13 की हो चुकी है मौत, 54 के खिलाफ होगी कार्रवाई। कानपुर में हुए दंगों में 127 लोगों की हुई थी हत्या, 37 साल बाद बीएसआईटी ने फॉरेंसिक जांच की मदद से ढूंढ निकाले खून के धब्बों समेत कई अन्य सबूत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में चौकसी कड़ी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले की साजिश का खुफिया अलर्ट। पंजाब में भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और संघ के नेताओं को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी संगठन। 15 अगस्त के समारोह के लिए आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले पर तेज हुई हलचल। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होगी जबरदस्त सुरक्षा, 300 स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। लाल किले के मेन गेट के बाहर लगाए जाएंगे भारी भरकम कंटेनर, एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती है। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी चौकसी, सड़क निकलने वालों की ली जा रही तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से हो रहा है समारोह। सामने आया बुधवार को राज्यसभा में हंगामे का वीडियो, महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते दिखे सांसद। राज्यसभा के रिपोर्ट के मुताबिक महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, घसीटे जाने का भी जिक्र। रिपोर्ट में एक पुरुष मार्शल पर भी हमले की बात, विपक्षी सांसदों ने गला दबाया। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक बाहर से नहीं बुलाए गए थे लोग, विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए की गई थी मार्शलों की अतिरिक्त तैनाती। विपक्ष ने हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को ठहराया जिम्मेदार, राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात। राज्यसभा में बवाल को लेकर विपक्ष की 15 पार्टियों का प्रोटेस्ट मार्च, राहुल गांधी ने की अगुवाई। एकजुटता के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, संजय राउत बोले ऐसा लगा सदन में नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े। बीजेपी के नेताओं ने भी राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात, हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। संसद में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति की बैठक, कड़े कदम उठाए जाने पर बनी सहमति। सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस की कवायद तेज, 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने बुलाई वर्चुअल बैठक। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी, आज सीएम योगी करेंगे गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बोट से लिया हालात का जायजा। प्रयागराज में बाढ़ से बुरे हालात, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, किनारे की बस्तियां डूबी है। मिर्जापुर में गंगा में जोरदार उफान, धार में बहने से एक शख्स की मौत। नमस्कार।